यू गाइस माइट नो कि कुरान 1500 साल से भी ज्यादा पुराना है, बाइबल 3400 साल से भी ज्यादा पुराना है, अथर्ववेद 10,000 साल से भी ज्यादा पुराना है। वहीं पर जो आज हमारा टॉपिक है वो एक बीमारी के बारे में है, और वो बीमारी इन सबसे कई गुना ज्यादा बीमारी है। उस टॉपिक का नाम है लेप्रोसी, जो कि 1,00,000 साल पुरानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ देखो, लेप्रोसी का जो अथर्ववेद में मेंशन है वो कुस्ता के नाम से है, वहीं पे कुरान में जो इसका मेंशन है वो बरस या जुधाम के नाम से है। क्रिश्चियन फीड के अकॉर्डिंगली लेप्रोसी एक पनिशमेंट है, पनिशमेंट इन द सेंस कि आपने जो भी बुरे काम, जो भी पाप किए हैं उसके लिए आपको लेप्रोसी से गुजरना होगा। चलिए थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं। लेप्रोसी को पहले छुआछूत की बीमारी माना जाता था। जो लोग लेप्रोसी से पीड़ित होते थे या सफर करते थे उन्हें लेप्रोसी असाइलम, जो कि शहर से कोसों दूर बनाए जाते थे, वहां डाल दिया जाता था। वहां इनको ना प्रॉपर फूड मिलता था, ना कोई अच्छा हेल्थ केयर होता था, ना एजुकेशन होती थी। वो बनाया इसलिए गया था कि वो बस मतलब सर्वाइव करे किसी तरह से, मर जाए मतलब, ठीक है जो भी है। लेकिन आगे चल के जो मॉडर्न साइंस है अपना, मॉडर्न साइंस ने लेप्रोसी से जुड़े कई सवालों के जवाब हमें दे दिए। देखो, आर्कोलॉजिकल ट्रेसिंग के हिसाब से लेप्रोसी ह्यूमंस में 4000 साल पहले ही डिटेक्ट हो गया था, पर लेप्रोसी के जो स्ट्रेन है ना, स्ट्रेन, उसके ट्रेसेस 1,00,000 साल पुराने पाए गए हैं। कैन यू बिलीव इट? लेप्रोसी ना फंगस है ना वायरस, लेप्रोसी माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे नाम से एक बैक्टीरिया से शुरू होता है। लेप्रोसी फिजिकल टच से नहीं फैलता है। अगर तुम किसी लेप्रोसी पेशेंट से हाथ मिला लोगे, गले मिल लोगे, तो तुमको लेप्रोसी नहीं होगा। देखो, ज्यादातर जो लेप्रोसी है वो लेप्रोसी एयरबोन ट्रांसमिशन से फैलता है। एयरबोन ट्रांसमिशन से आप क्या समझते हैं? जो अभी ये जो क्रिशियल टाइम निकला था कोरोना का, उसमें जो वो वायरस था या बैक्टीरिया है, डिफरेंस इतना ही है, वो भी एयरबोन ट्रांसमिशन से फैल रहा था। वही एयरबोन ट्रांसमिशन से लेप्रोसी फैलता है। यानी तुम्हारे आसपास कोई अगर लेप्रोसी का पेशेंट है, वो खांस दे, छींक दे, तो प्रोबेबिलिटी है कि तुम्हें लेप्रोसी का जो बैक्टीरिया है वो लग जाए और तुम भी इन्फेक्टेड हो जाओ, प्रोबेबिलिटी है। चलिए टच में आ गए, ठीक है, और इन्फेक्टेड भी हो गए, अब पता कैसे चलेगा? तो इसको पता करने के लिए एज सच कोई इक्विपमेंट नहीं है। कुछ साइन है जिसके बिहाफ पे आपको पता लग सकता है कि आप इन्फेक्टेड हो कि नहीं हो। तो अगर आप इन्फेक्टेड हो, कोई पर्टिकुलर नोज, ठीक है, पैर, हाथ में कहीं पे वो स्किन रेडिश होना स्टार्ट हो जाएगा, और जहाँ स्किन रेडिश होगा ना वो ड्राई भी साथ साथ में उतना ही होना स्टार्ट हो जाएगा। समय के साथ साथ वहाँ पे किसी भी तरह का सेंसेशन नहीं होगा आपको, मतलब अगर आप वहाँ पे कुछ मारोगे भी ना हाथ से ही, तो आपको चोट तक, दर्द तक फील नहीं होगा, चोट लगने पे भी दर्द नहीं होगा। तो इससे होता क्या है ना कि जब वहाँ पे दर्द नहीं होता है तो वहाँ पे कभी चोट लग जाए तो वहाँ जो घाव बनता है ना वो भरता भी नहीं है इजीली, जस्ट बिकॉज बैक्टीरिया, वो भरता नहीं है। अब उसको भरने के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। बट जिन लोगों को ये होता है ना, किन लोगों को होता है ये मैं आगे बताऊंगा, जिन लोगों को ये होता है ना वो उसको इग्नोर कर देते हैं कि वहाँ पे कोई पेन तो है नहीं। फिर वो इससे क्या, इन्फेक्शन बढ़ता जाता है। जब इन्फेक्शन बढ़ता जाता है ना, तो इस हद तक इन्फेक्शन बढ़ जाता है कि लिटरली वो जगह आपका ख़त्म होने को आ जाता है, आपकी जान तक जा सकती है। बट जो लोग हैं वो इसको इग्नोर कर देते हैं। और इसी बैक्टीरियाज के कारण जो आई नर्व होते हैं ना, आई नर्व सिस्टम होता है, वो डैमेज हो जाता है। शरीर के कई हिस्से जैसे मुंह, हाथ, पैर, इनमें परमानेंट डिफॉर्मेटिव्स होनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अभी जितना मैंने आपको बताया, ये सुनने में कितना ही खतरनाक लगा, लेप्रोसी सुनने में कितना ही खतरनाक लगा हो, ठीक है, ये बीमारी है तो खतरनाक ही, और सुनने में भी कितना ही खतरनाक लगा हो, लेकिन ये बीमारी 100% क्यूरेबल भी है, 100%। इसके लिए ट्रीटमेंट है, इसको बोलते हैं MDT, मल्टी ड्रग थेरेपी। बट हाँ, जो ये बीमारी है ना, ये ऐसी बीमारी है कि अपने साथ साथ कुछ ऐसी और बीमारियां लेके आ जाती हैं जिसका मेडिकल साइंस के पास कोई क्योर नहीं है। लेप्रोसी के जो पेशेंट है ना, समाज तो दूर की बात है, उनका खुद का परिवार ही उनको
कलंक घोषित कर देता है। This is now the only home and family she knows. Uma Devi finds it easier to ride backwards on her wheelchair than she does going back in time. मेरी शादी हो गई थी ना, उसके 5-6 साल बाद मेरी बीमारी आ गई। तो जब बीमारी आ गई ना, तो हाथ थोड़ा उंगली टेढ़ी हो गई थी, तो मेरे हस्बैंड घर से मार के निकाल दिए रहे। और समाज ने ऑलरेडी लेपोर्सी को छुआछूत की बीमारी डिक्लेयर करी हुई है। पहले तो करी हुई थी, इवन अभी भी फॉलो हो रहा है। छुआछूत की बीमारी डिक्लेयर करी हुई है, जिस कारण जो लेपोर्सी के पेशेंट होते हैं ना, उनको अछूत की तरह ट्रीट करा जाता है कि वो अछूत हैं। जिस कारण मतलब एम्प्लॉयमेंट, जॉब उनको मिलना तो बहुत दूर की बात है, कोई उनका फ्रेंड बनना भी पसंद नहीं करता है। इससे होता क्या है कि किसी भी तरह का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस इंसान के अंदर होता है ना, वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। धीरे 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 बंदा परेशान हो जाता है, लाइफ से भी परेशान हो जाता है। गिल्ट और शेम के कारण वो कहीं मतलब जो लेपोर्सी का पेशेंट है जाना पसंद नहीं करता है, किसी से मिलना तक पसंद नहीं करता है। एट द एंड होता क्या है, कई सारे ऐसे केसेस निकल के आए हैं जिनमें मतलब लेपोर्सी का जो पेशेंट है ना, उन्होंने सुसाइड कर लिया है। तो ये लिटरली एक मतलब सुनने में भी बहुत दुख होता है इस चीज को। लेपोर्सी ये जो बीमारी है ना, ये वर्ल्ड वाइड अगर आप देखेंगे ना, तो वर्ल्ड वाइड जो मतलब कैटेगरी है, 3 ऐसी कंट्रीज हैं जो सबसे बड़ी मात्रा लेपोर्सी की बीमारी की लेके बैठी हुई है। मतलब सबसे ज्यादा पेशेंट अगर काउंट करेंगे, अप्रॉक्स 80% लेपोर्सी के पेशेंट इन 3 कंट्री में ही डिवाइडेड हैं। फर्स्ट है ब्राजील, सेकंड है चाइना, एंड थर्ड वन इज इंडिया, अपना इंडिया। यस, अपना इंडिया। हाँ जी, तो इंडिया को मैंने इतने ज्यादा बड़े तरीके से हाईलाइट इसलिए किया कि 80% में से भी जो 56% है ना, वो पेशेंट्स इंडिया से हैं बेसिकली। तो मैं इस टॉपिक पे वीडियो क्यों बना रहा हूँ, जस्ट बिकॉज कि लास्ट मंथ मेरा एनकाउंटर हुआ एक लेपोर्सी के पेशेंट से। और झूठ नहीं बोलूँगा आप लोगों से कि जब मेरा एनकाउंटर उनसे हुआ, मतलब मेरे सामने मेरे को दिखे, तो मुझे भी घिन सी आ गई। अब मुझे घिन सी आई तो घिन उसके साथ साथ थोड़ी सी क्यूरियोसिटी भी हुई, तो मैंने हिम्मत करके उनसे पूछ लिया कि क्या है। तब उन्होंने जब इसके बारे में थोड़ा बहुत बताया, तो मेरे को थोड़ा शॉक लगा कि भाई ये छुआछूत से नहीं फैलता है। फिर मैंने इसके ऊपर रिसर्च स्टार्ट किया, मैंने खुद थोड़ा बहुत रिसर्च किया, मैंने देखा, फिर उसके बाद मेरे को काफ़ी चीज़ पता लगी कि क्या चल रहा है समाज में। तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाना ज़रूरी है, ठीक है। और जैसा मैंने आप लोग को बताया ना कि लेपोर्सी जो बीमारी है ना, ये होती कैसे है, एक्चुअली क्या है, इसके होने का जो सबसे बड़ा रीज़न है ना, वो इम्यून सिस्टम है। और इंडिया में इवन अभी भी लोग हेल्दी की जगह पे अनहेल्दी फूड प्रेफर करते हैं, ठीक है। और ऐसा बहुत बड़ा तादाद है भारत का जो अफोर्ड भी नहीं कर सकता है। तो जो न्यूट्रिशन डिफिशेंसी है ना, उनके बॉडी में बहुत ज़्यादा है, इम्यून सिस्टम बहुत वीक है। और आज से अगर आप 100 साल पीछे जाएंगे, ठीक है, तब तो बहुत ही ख़राब था इम्यून सिस्टम जो इंडिया में कुछ लोग हैं उनका, गरीब लोग बेसिकली, बहुत खराब था उनका इम्यून सिस्टम। वो टाइम था ब्रिटिशियंस का टाइम, जब हम पे वो रूल करते थे। तो जो ब्रिटिश कॉलोनियल टाइम बोलते हैं जिसको, वो था ना, उसमें ब्रिटिशियंस ने पर्टिकुलर इन पेशेंट्स के लिए एक लेप्रे एक्ट 1898 में ही उन्होंने बनाया था। अब ये क्यों बनाया था, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो ये जो अंग्रेज, बिकॉज कि उनका मानना था कि इससे क्या ना, वो भी उस टाइम वही छुआछूत वाली ही चीज़ इसको समझते थे कि इससे और भी लोग इन्फेक्टेड होंगे। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि वो पर्टिकुलर जो क्राइटेरिया था, जिनको हो रहा था, जो ये बीमारी से ग्रसित थे, उनको एक नाम दिया, जिनको मतलब एक कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, उनको लेप्रे पीपल बोलते थे। लेप्रे पीपल बोलते थे जो भी लोग लेप्रे की कैटेगरी में आते थे ना, उन्हें पब्लिक हेल्थ हैजार्ड बना दिया जाता था। मतलब वो पब्लिक के लिए एक मतलब हार्मफुल चीज़ है, तो उनको किसी भी तरह का सोशल सर्विस जो है ना, वो एक्सेस करने का किसी भी तरह का वो दिया नहीं था, उनको राइट नहीं दिया था कि कोई सोशल सर्विस वो जाके एक्सेस कर सकें या फिर कहीं पब्लिक में आ सकें। और ये तो बहुत बड़ी बात है, मतलब मैंने आप लोग को प्रीवियसली बताया ना कि उनके लिए पर्टिकुलर जो ये लेप्रे पीपल हैं, इनके लिए असाइलम बना दिए थे जो शहर से कोसों दूर होते थे, मैंने आप लोग को भी बताया था प्रीवियसली। अब वो बना के उसमें डाल दिया कि चलो ठीक है, वहाँ पे मर जाए, ख़त्म हो जाए। तो मेन पर्पस तो जो अंग्रेज थे उनका यही था। बट आगे जाके जब भारत इंडिया अपना आज़ाद हुआ, तो उनके साथ साथ ना, अंग्रेज तो चले गए, उनके साथ साथ हमारे भी मतलब लोगों की जो मेंटालिटी है ना, वो भी आज़ाद हो गई।
और ईयर 1955 में जो उस टाइम की गवर्नमेंट थी, ठीक है, उन्होंने इस एक्ट को हटा दिया। और ईयर 1955 में ही उन्होंने इसको हटाने के बाद एक NLCP नेशनल लेप्रेसी कंट्रोल प्रोग्राम चालू किया, वो लॉन्च किया बेसिकली। वो इसलिए लॉन्च करा गया कि सरकार चाहती थी कि मतलब जो भी इससे ग्रसित है ना उनको सही करा जाए। सरकार ने एक मास लेवल पे लेप्रेसी का डायग्नोसिस करना चालू कर दिया मास लेवल पे। और जो लोग इसका ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते थे ना, अफोर्ड का मतलब जो गरीब लोग थे बेसिकली, जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, उनके लिए ट्रीटमेंट को ही फ्री कर दिया गवर्नमेंट ने। साथ ही साथ हेल्थ केयर वर्क का जो सपोर्ट यूनिट था उस टाइम का, उन्हें भी इसके रिलेटेड ट्रेनिंग देनी गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर दी, ताकि इसको वाइड रेंज में करा जा सके। मतलब सभी को ठीक करने का जो ठेका है उस टाइम की गवर्नमेंट ने उठा लिया था, जो बहुत एक मतलब बेस्ट काम था उस गवर्नमेंट का पर्टिकुलर। तो ये तो प्रीवियस जो भी हिस्ट्री थी इसकी अपन ने बात कर ली। अब मैं मतलब आपको बता देता हूँ, जो रिसेंटली लास्ट ईयर, अभी भी लास्ट ईयर 65,000 से भी ज़्यादा केसेस डिटेक्ट हुए हैं, जो कि महाराष्ट्र, झारखंड, उड़ीसा और बिहार से हैं। ये भी मतलब एक बड़ा आंकड़ा है, बट हाँ, लेकिन इंडिया ने ग्लोबल लेवल पर ना इनके खिलाफ काफ़ी अच्छा पोजिशन ले लिया है। मतलब अगर आप ओवरऑल कंपेयर करोगे ना, तो ग्लोबल लेवल पे काफ़ी अच्छा पोजीशन, मतलब नीचे आ चुके हैं हम, जो तीन पहले कंट्रीज बताई थी, अब उसमें अपना 11वें नंबर पे नाम आ गया है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो केसेस निकलते हैं वो तीन चार कंट्रीज ही हैं, पांच कंट्रीज ही हैं जहाँ से निकलते हैं। तो लेकिन अभी 11वें नंबर पे चला गया इंडिया, तो विच इज़ वेरी गुड फॉर अस, मतलब इंडियंस, हम इंडियंस के लिए बहुत अच्छी चीज़ है ना। और अभी करंटली अगर देखा जाए ना, तो 10,000 लोगों पे 0.45 लोग ही इससे पीड़ित हैं। मतलब अगर देखा जाए तो 20,000 में एक, मतलब 20,000 लोगों में एक ही बंदा है जो इस बीमारी से सफर करता है, तो ये एक अच्छी चीज है। और एक रिपोर्ट की माने तो इंडिया 2030 तक इन केसेस पे भी इरेडिकेट कर लेगा अच्छी तरीके से, और आंकड़े को और नीचे लेके चला जाएगा, विच इज वेरी गुड फॉर अस। तो ये बीमारी जो है, मैंने आप लोग को बताया लेप्रोसी, इसको हिंदी में बोलते हैं कोढ़ की बीमारी। अब आप लोगों ने बिल्कुल इससे रिलेट कर लिया होगा, क्योंकि आपने पहले इसको सुना हुआ है, ठीक है। तो इवन हमारा माइंडसेट इस तरह से बिल्ड करा गया ना, इवन हम अभी भी सोचते हैं कि ये जो है छुआछूत की बीमारी। मतलब काफ़ी हद तक जितना मतलब मॉडर्न साइंस आया, डेवलप हुए, हम लोग तो चीज़ें समझ भी आ गई, ठीक है, लेकिन अभी भी क्या ना, ये एजुकेशन लोगों तक पहुँची नहीं है। बहुत सारे लोग जानते ही नहीं है कि ये छुआछूत की बीमारी नहीं है, है ना। तो हम लोगों को ना एक दूसरे को अवेयर करने की ज़रूरत है कि भाई जो इस तरह का कोई पेशेंट है ना, तो उसको इस तरह से फील मत कराओ कि हम हमसे अलग है, या छुआछूत वाली चीज़ उसके साथ प्रिटेंड मत करो। वो जी सके, अच्छी लाइफ जी सके, और अपने आप को क्योर कर सके, इस चीज़ से निकाल सके, ऐसा मतलब हमें उसे फील करवाना चाहिए, इन माई पॉइंट ऑफ व्यू। ये मेरे वीडियो बनाने का पर्पस ही यही था। और इस तरह के टॉपिक्स को मैं और भी फ्यूचर में कवर करने वाला हूँ, तो इस तरह के कंटेंट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।